बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। बच्चों, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट, ये वीडियो पार्ट वन और पार्ट टू के स्टूडेंट्स के लिए बनाई जा रही है। बहुत सारे बच्चों के मैसेजेस आ रहे थे और कमेंट सेक्शन में भी पूछ रहे थे कि सर, बोर्ड के पेपर की तैयारी के लिए जो शॉर्ट क्वेश्चन है स्पेशली, क्या वो एक्सरसाइज वाले जो शॉर्ट क्वेश्चन हैं वो काफ़ी हैं कि हम शॉर्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज वाले कर लें, उससे हमारा पूरा जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन वाला पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा। तो इसके बारे में थोड़ी रहनुमाई फरमा दें। तो बच्चों ना, ये बात याद रखें कि शॉर्ट क्वेश्चन जो है बोर्ड के पेपर के 50% जो होते हैं ना, वो एक्सरसाइज से आते हैं। आपके पूरे बोर्ड का जो पेपर है, आपका जो 44 मार्क्स का शॉर्ट क्वेश्चन का पोर्शन होता है, उसमें से जो हाफ होते हैं वो एक्सरसाइज से आते हैं। अब आपने इसको समझना है कि किस पोर्शन में कितने आएंगे। अब आपको पता है क्वेश्चन नंबर जो 2 होता है उसमें 12 शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं, आपने उसमें से 8 करने होते हैं। अब उन 12 में से बच्चों जो 6 शॉर्ट क्वेश्चन हैं उनके चांसेस होते हैं कि वो एक्सरसाइज से आएंगे। 12 में से 6 शॉर्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज से, बाद दफा 7 भी आ जाते हैं, बाद दफा 8 भी आ जाते हैं। इसी तरह से जो पोर्शन आपके पास है क्वेश्चन नंबर 3 वाला, उसमें भी 12 में से आपने 8 करने होते हैं, उसमें भी 6 तो कन्फर्म है कि वो एक्सरसाइज से ही आएंगे, बाकी रह जाते हैं 2, और उनको भी हम देखते हैं कि उनको हमने कैसे डील करना है। और इसी तरह थर्ड जो पोर्शन होता है उसमें 9 आते हैं, उनमें से आपने 6 करने होते हैं। 9 में से बेटे आपके पास 5, 4 या समटाइम 6 शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो एक्सरसाइज से आते हैं। अब बाकी के जो शॉर्ट क्वेश्चन है बेटे 50%, वो चैप्टर के अंदर से और कॉन्सेप्चुअल शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं। तो आपके डेफिनेटली 6 से 7 शॉर्ट क्वेश्चन तो हो जाएंगे एक्सरसाइज के तैयार करने से, लेकिन जो बाकी के 2 शॉर्ट क्वेश्चन हैं वो आप एक्सरसाइज के अंदर जो मेन डेफिनेशन दी होती हैं, मेन पॉइंट्स दिए होते हैं, आप उनको याद करेंगे तो इनशाला आपका जो पूरा का पूरा पोर्शन है वो अच्छे से अटेम्प्ट हो जाएगा। लेकिन शर्त ये है कि आपने एक्सरसाइज वाले जितने भी शॉर्ट क्वेश्चन हैं उनको प्रॉपर तैयार करना है। ये नहीं कि आप उनमें से भी शॉर्ट करने बैठ जाएं। तो एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चन पे कंप्रोमाइज नहीं है, पार्ट 1 के स्टूडेंट्स के लिए भी और पार्ट 2 के स्टूडेंट्स के लिए भी। ठीक है बच्चों, तो ये थी आज की वीडियो। आपने याद रखना है कि आपने एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चन पे कंप्रोमाइज नहीं करना। ठीक है बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।